वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 8 अगस्त 2022 और 8 अगस्त 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। तो आज टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करना आपका काम है। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डेली मेरी सुबह 6:30 पर यह क्लास मिलती है। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं, देखिए हमारा कल का रिवीजन, यानी कि शनिवार का रिवीजन, यस्टरडे रिवीजन। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 सुधीर ने पुरुषों के हेवी वेट फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 लॉन्ग जंप में मुरली श्री शंकर ने कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है रजत पदक। हाल ही में भारत और अमेरिका किस राज्य में मेगा सैन्य अभ्यास करेंगे? तो ये करेंगे उत्तराखंड। कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट देखो, हाल ही में कौन सा देश UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी की विशेष बैठक की मेज़बानी करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत। हाल में प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक या डायरेक्टर पद पर किसे नियुक्ति दी गई है? तो ये दी गई है श्वेता सिंह को। हाल ही में 44वें चेस ओलंपियाड में किसने भारत की महिला टीम को जीत दिलाई है? तो ये दिलाई है तानिया सचदेव ने। हाल में किस कंपनी ने सामान की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है? तो ये किया है अमेजन कंपनी ने। तो ये हमारा रिवीजन था। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुए हैं? तो ये आपको सभी को पता होगा कि हमारे देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ये निर्वाचित हो चुके हैं जगदीप धनखड़। कौन बन चुके हैं? जगदीप धनखड़। अब आपको पता है ये पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे, और मूलतः ये राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं। तो ये भी आपको पता ही है, ये राजस्थान झुंझुनू के रहने वाले हैं, और NDA ने अपने उनको क्या है उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में इनको चुना था, और ये अभी 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में ये निर्वाचित हुए हैं। अब देखो पूरी बातें, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। 528 वोट पाने वाले धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा को 346 मतों से हराया है। मौजूदा उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को पूरा होगा, और 11 अगस्त को जगदीप धनखड़ शपथ लेंगे। तो ये आपको पता है, अब वर्तमान में हमारे M. वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे, उनका 10 अगस्त को कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, और 11 अगस्त को जगदीप धनखड़ है वो क्या है शपथ लेंगे। जगदीप धनखड़ भाजपा से तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं, तो ये ध्यान रखना अच्छी तरह से, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। जगदीप धनखड़ है जो भाजपा से तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं, बाकी आपके इनको बारे में पता ही है भी राजस्थान की ये झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं, तो ये पूरी डिटेल इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। अगला देखो, हाल ही में किस देश ने ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है? अब आपको पता है ताइवान को लेकर क्या है, ये अमेरिका और चाइना के बीच में अभी क्या है थोड़े जो है उनके बीच में तनाव चल रहा है, किसके लिए? ताइवान को लेकर। तो ये ध्यान रखना भी ताइवान मतलब जो है ये कह रहा है भी ताइवान एक स्वतंत्र देश है, उनका उसका अलग से संविधान है ताइवान का देश का, तो ये मानना है। लेकिन चाइना है जो ये कह रहा है भी चाइना कह रहा है ये हमारे अंदर आता है, जो ये जो ताइवान जो क्षेत्र है ना, क्या ये चाइना कह रहा है भी ये हमारे अंदर आता है, तो इस वजह से दोनों के बीच में क्या है अमेरिका और चाइना के बीच में ताइवान को लेकर क्या है तनाव चल रहे हैं। तो अभी ये क्वेश्चन देखो, किस देश ने ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है? ये किया है चाइना ने। किसने किया है? चाइना देश ने। देखो, चीन ने अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैसी पोलोसी की ताइवान यात्रा के बाद ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। किसने? चीन ने। चीनी सेना 7 अगस्त से
7 अगस्त तक 6 अलग अलग क्षेत्रों में सैन्य अभ्यास शुरू कर रही है। क्या कब से, यानी कि कल 7 अगस्त से, कल से क्या उन्होंने 6 अलग अलग क्षेत्रों में अपने सैन्य अभ्यास शुरू कर रही है। कौन है? चीनी सेना ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर है? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन है नई दिल्ली में, इसका आयोजन किया जाएगा। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 12 सितंबर से नई दिल्ली में इनका आयोजन होने वाला है। कब से? 12 सितंबर से इनका आयोजन नई दिल्ली में होने वाला है। कोविड-19 महामारी के दौरान 2 साल के बाद शिखर सम्मेलन का 2022 का संस्करण 12 से 15 सितंबर से व्यक्तिगत रूप से इनका आयोजन किया जाएगा। तो कोविड-19 जो महामारी के कारण क्या है, ये 2 साल के बाद क्या है, इनका जो 12 से 15 सितंबर से व्यक्तिगत रूप से इनका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा 13 सौर ऊर्जा संयंत्र बनेगा? तो ये बनेगा, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर बनेगा? मध्य प्रदेश के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा 13 सौर ऊर्जा संयंत्र बनेगा। देखो मुख्य तथ्य, मध्य प्रदेश के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा 13 सौर ऊर्जा संयंत्र बनने जा रहा है। खंडवा में एक 13 हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनने जा रहा है जो 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। तो ये ध्यान रखना क्या है, 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। खंडवा राज्य का एकमात्र जिला बन जाएगा जहां एक ही जिले से 4000 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन के साथ सौर, जल और थर्मल सहित तीनों चीज़ें होंगी। तो ये ध्यान रखना, ये एक ही खंडवा राज्य है जो मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला बन जाएगा भी 4000 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन करने के साथ है, सौर ऊर्जा, जल या थर्मल और तीनों चीज़ें इसमें एक साथ हो जाएंगी। तो ये अच्छी तरह से क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इसका ध्यान रखना। हाल ही में किस भारतीय सेना ने महिला पायलट्स ने अरब सागर पर निगरानी मिशन पूरा किया है? हाल ही में किस भारतीय सेना ने महिला पायलट्स ने अरब सागर पर निगरानी मिशन पूरा किया है? ये किया है भारतीय नौसेना है, भारतीय नौसेना महिला पायलट्स ने किया है अरब सागर पर निगरानी मिशन पूरा किया है। देखो मुख्य तथ्य, भारतीय नौसेना की महिला पायलट्स ने इतिहास रच दिया है। भारतीय नौसेना की ऑल वीमेन क्रू सदस्यों ने डिनर 2228 विमान के जरिए उत्तरी अरब सागर का निगरानी मिशन पूरा किया है। पोरबंदर गुजरात स्थित INSS 314 नेवल स्क्वाड्राइन की 5 महिलाओं ने नारी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उत्तरी अरब सागर में मेरीटाइम रिकॉन्नाइसेंस एंड सर्वेलेंस मिशन पूरा किया है। तो ये खास आपके लिए क्वेश्चन है, पूरी डिटेल इनके बारे में पता होना चाहिए। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गाँव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है उत्तराखंड की राज्य सरकार ने, क्या है, प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। देखो मुख्य तथ्य, उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। यानी हर जिले में एक ऐसा गांव होगा जहां के लोग संस्कृत भाषा में ही बातचीत किया करेंगे। यानी कि हर जिले में एक ऐसा गांव होगा जहां के लोग क्या है, संस्कृत भाषा में ही बातचीत किया करेंगे। लेकिन हमारी जो प्रथम भाषा है वो कौन सी है, हिंदी, और दूसरी भाषा है जो संस्कृत है। और एक एक संस्कृत गांव विकसित करने का निर्णय उत्तराखंड सरकार ने लिया है। अगला देखो, हाल ही में किन 2 देशों को अमेरिकी सीनेट ने नाटो में शामिल होने की मंजूरी दी है? तो ये स्वीडन और फिनलैंड, इन दोनों को क्या है, अभी अमेरिकी सीनेट ने नाटो में शामिल होने को मंजूरी दी है, स्वीडन और फिनलैंड, इन 2 देशों को। देखो मुख्य तथ्य, अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के पक्ष में जोरदार उत्साह दिखाते हुए डेमोक्रेट व रिपब्लिकन दोनों के 95 सदस्यों ने वोट किया है। और वर्तमान में नाटो के अध्यक्ष कौन है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग है जो वर्तमान में नाटो के अध्यक्ष हैं। और अभी ध्यान रखना, स्वीडन और फिनलैंड, इन दोनों को क्या है, नाटो में शामिल करने को मंजूरी दी है। अगला देखो, हाल ही में हिरोशिमा दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया गया है? अब आपको पता है 6 अगस्त के दिन क्या है, हिरोशिमा पर जो परमाणु बम है वो फेंका गया था, तो इसलिए जैसे क्या है, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है।
हिरोशिमा दिवस हर साल 6 अगस्त को शांति की राजनीति को बढ़ावा देने और हिरोशिमा पर बम हमले के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जिसने 6 अगस्त 1945 को तुरंत हजारों लोगों की जान ले ली थी और आज जापानी शहर पर परमाणु बमबारी की 70वीं वर्षगांठ है। तो ये ध्यान रखना भी 6 अगस्त को क्या है, हिरोशिमा दिवस है, जो परमाणु बम गिराए गए थे उस पर क्या आपकी बार है 70वीं वर्षगांठ है बनाई गई है। अगला देखो, हाल ही में वोडाफोन आइडिया के मौजूदा कंपनी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो ये बने हैं ध्यान रखना रविंदर टक्कर। कौन बने हैं, रविंदर टक्कर है जो वोडाफोन आइडिया के मौजूदा कंपनी के नए चेयरमैन बने हैं। वोडाफोन आइडिया के निदेशक मंडल ने कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में रविंदर टक्कर को कंपनी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रविंदर टक्कर 19 अगस्त को हिमांशु कपानिया की जगह लेंगे, किसकी जगह लेंगे, हिमांशु कपानिया की जगह लेंगे और 19 अगस्त को क्या है, रविंदर टक्कर है जो वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ ये पदभार ये ग्रहण कर लेंगे। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की नौसेना और किस देश की नौसेना ने अटलांटिक महासागर में अभ्यास किया है, तो ये किया है भारत और फ्रांस की नौसेना ने क्या है अटलांटिक महासागर में अभ्यास किया है। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए, इसी तरह मुझे लगातार आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। और एक ध्यान रखना फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको पता है नाना क्लासेज जो है चैनल है हमारा नाना क्लासेज पर क्या है फर्स्ट ग्रेड के लिए पुरस्कार का वहाँ पर वीडियो मिलेगा आपको अलग से, अच्छी तरह से पढ़ लेना। फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही शानदार क्लास वो होने वाली है, तो पूरी ध्यान से देखना, वो अलग क्लास आपके लिए बड़े ही शानदार होने वाली है। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन सा राज्य अव्वल रहा है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना और जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारी पीडीएफ नहीं खरीदी है इंडिया और राजस्थान करंट अफेयर्स की जुलाई महीने की जो हमारी पीडीएफ तैयार हो चुकी है उसके लिए आपको 8239355343 ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे पेटीएम फ़ोनपे की सुविधा है या मुझे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। जिस भी विद्यार्थी को पीडीएफ चाहिए इस नंबर पे मुझे मेरा व्हाट्सएप चल रहा है, तो आप मुझे मैसेज करके मुझसे पीडीएफ खरीद सकते हो। तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और कल आपको पता है संडे के दिन आपको मेरा वीकली जो है वीडियो मिला था, क्योंकि संडे के दिन आपको पिछले 7 दिनों का रिविजन टेस्ट मिलता है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।